नवरात्र के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्ठमांडा की उपासना की जाती है। कुष्ठमांडा यानी कि कुम्हरा। कुम्हरा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हरा यानी कि कद्दू, जिसे कि पेठा भी कहते हैं, जिसका हम घर में सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। माँ कुष्ठमांडे को कुम्हरे की बलि बहुत ही प्रिय है, इसलिए माँ दुर्गा का नाम कुष्ठमांडा पड़ा। इसके साथ ही देवी माँ के आठ भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, वान, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, चक्र और गदा नजर आते हैं, जबकि आठवें हाथ में जबकि माला रहती है। माँ का वाहन सिंह है और उनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। कहते हैं कि सूर्यदेव के ऊपर माँ कुष्ठमांडा का अधिपत्य रहता है और सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा देवी माँ से ही प्राप्त होती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव संबंधी कोई परेशानी हो तो माँ कुष्ठमांडा की उपासना करने से आप बड़े फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको देवी माँ के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार जप करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होती है। माता के इस दिन मालपुए का प्रसाद चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही आज के दिन कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन व वस्त्र भेंट करने से धन में वृद्धि होती है। आज कुष्मांडा माता का दिन है जो चतुर्थ नवरात्र होती है। कहा जाता है कि कुष्मांड से मतलब पृथ्वी की जननी कही गई है इनको, मतलब कुष्मांडा माँ को पृथ्वी की जननी, उनके एक हुंकार नाद से सृष्टि का सृजन भी होता है, सृष्टि का संहार भी होता है। इसलिए भगवती सर्वोपरि है माँ कुष्मांडा। इस चतुर्थ दिन का बहुत महत्व है। माँ को पेठे का भोग लगता है, मालपुए का भोग लगाया जाता है ताकि देवी प्रसन्न होकर के अभय प्रदान करें। जो लोग हैं तो नित्यदिन जो नवरात्र में हैं वो तो कर ही रहे हैं रोज़ माँ की उपासना उसी रूप में, उसी रूप से रोज़ माँ की सप्तशती के स्तोत्रों द्वारा पाठ, नित्य अलग अलग स्वरूप स्वरूप का वंदन करना है, माँ का ध्यान करना है, जप करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। जो पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि शिव जी ने कहा है कि वो कुंजिका पाठ मात्र है ना दुर्गा पाठ फल लोहित, कुंजिका पाठ मात्र से ही दुर्गा पाठ का फल मिलता है। लेकिन उनके लिए जो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए नहीं है जिनके पास समय है और वो सोचेंगे कि हम तुरंत कर ले, तो वैसा नहीं है। माँ तो भाव की भूखी है, अभाव से ही वरदान देती है। माँ दुर्गा के चौथे दिन माता कुष्ठमांडा की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। फिर मन को अनहत चक्र में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे पहले सभी कलश में विराजमान देवी देवताओं की पूजा करें, फिर माँ कुष्ठमांडा की पूजा करें। इसके साथ हाथों में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर मंत्रों से उनका ध्यान करें।